हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं प्राणायाम के बारे में। क्या आपने ऐसे कभी ऑब्जर्व किया है कि जब आप प्राणायाम करते हो तो आपको बीच में थोड़ा सा गिड़ीनेस आता है, या स्पेशली जब आप आपकी कपालभाति के सभी स्ट्रोक्स कंप्लीट करते हो उसके बाद कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए आपकी सांस रुक जाती है। ऐसा स्टेज आता है कि आपको ना सांस लेने की जरूरत पड़ती है ना छोड़ने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। एक्चुअली जब भी आप प्राणायाम करते हो आपके ब्लड में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो रेशियो है वो चेंज होने लगता है। जैसे ही ये रेशियो चेंज होने लगता है ऑटोमेटिकली आपके ब्लड का पीएच चेंज होने लगता है। नॉर्मली आपका जो ब्लड है वो 7.3 से लेके 7.4 के बीच में उसका पीएच होता है। जैसे जैसे आप प्राणायाम करते वक्त कुंभक की प्रैक्टिस करते हो, जैसे कि सांसों को रोकना, भले वो अंतर कुंभक हो या बाह्य कुंभक हो, दोनों में आपके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही ये बढ़ जाती है आपका जो ब्लड पीएच है वो कम होने लगता है, या आपके शरीर में जो ब्लड है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आप फास्ट ब्रीदिंग करते हो या जो प्राणायाम है जिसमें कपालभाति या भस्त्रिका, ऐसे फास्ट एक्सहेलेशन की जो प्राणायाम है उसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बाहर आप छोड़ते हो, जिससे आपका ब्लड का जो पीएच है वो अल्कलाइन होने लगता है। इसलिए आपको एक तो चक्कर आना या गिडीनेस ये फील होता है। जैसे ही आप ये फील करने लगोगे आपको उसी वक्त थोड़े टाइम के लिए रुकना है। थोड़ा रुकने से या नॉर्मल ब्रीदिंग करने से आपकी बॉडी ब्लड का पीएच नॉर्मल कर देता है। आपके ब्लड का पीएच कंट्रोल करने के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिम्मेदार है, एक तो लंग और दूसरा किडनी। तो हम जब भी प्राणायाम करते हैं हम लंग के साथ सभी काम करते हैं और उसकी वजह से ब्लड का पीएच ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में ऐसे कहा गया है, अगर आप प्राणायाम सही गाइडेंस के साथ करते हो उससे आपकी सभी बीमारियों का नाश हो सकता है, और अगर आपका गाइडेंस सही नहीं है तो आपके शरीर में सभी व्याधियां तैयार हो सकती है। इसलिए प्राणायाम में ये छोटे छोटे जो सिम्टम्स है उसका क्या साइंटिफिक मीनिंग है ये समझना जरूरी है, और उसके ऊपर क्या इलाज करना है ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि प्राणायाम ये ऐसा मीडियम है जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर भी काम करता है और साइकोलॉजिकल चेंजेस के ऊपर भी काम करता है। इसलिए शास्त्रों में ऐसे कहा गया है, धारणा सुचित योग्यता मनसाहा, मतलब प्राणायाम से आपका माइंड धारणा के लिए तैयार होता है। मतलब जब भी आप प्राणायाम करते हो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाता है। जैसे पीएच के साथ प्राणायाम से अप डाउन आ सकता है, वैसे मन के ऊपर भी प्राणायाम इफेक्ट लाता है। सो जब भी आप प्राणायाम करते हो ऐसे छोटे छोटे जो सिम्टम्स है उसको नजरअंदाज मत करो।